बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एसएस एजुकेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पार्शियल डेंसिटी ऑफ स्टेट का ग्राफ ओरिजिन में कैसे प्लॉट किया जाता है। सबसे पहले हम अपना डॉक्यूमेंट्स बॉक्स खोलेंगे जहां पे हमने पार्शियल डेंसिटी ऑफ स्टेट के को एक्सेल फाइल में सेव किया था। पार्शियल डेंसिटी ऑफ स्टेट को ग्राफ को यहाँ एक्सेल फाइल से ओरिजिन में ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास पार्शियल डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप है इसको एक्स और वाई सेट करना। सबसे पहला कॉलम एक्स कॉलम होगा, दूसरा वाई कॉलम, तीसरे कॉलम को हम सेलेक्ट करके एक्स पे सेट कर देंगे। इसके बाद फोर्थ वाई कॉलम होगा, फिर नेक्स्ट कॉलम को अगेन एक्स कॉलम सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह वन बाय वन करके वन कॉलम एक्स होगा और दूसरा वाई कॉलम सेलेक्ट करते जाएंगे। फर्स्ट कॉलम एक्स वन, सेकेंड कॉलम वाई वन, फिर एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर, एक्स फाइव वाई फाइव, एक्स सिक्स एंड वाई सिक्स। इसके बाद लेबल करेंगे एक्स एक्सिस में एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एनर्जी और उसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वाई एक्सिस में पार्शियल डेंसिटी ऑफ स्टेट और नीचे उसका यूनिट इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद सारी कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, नीचे लाइन पे क्लिक कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। टॉप एक्स और वाई लेयर को ऐड करेंगे, एक्स टाइटल और y टाइटल को कट ऑफ कर देंगे। अपर लेयर पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो बॉक्स ओपन होगा, वहां से टाइटल एंड फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। टॉप लेयर की मेजर टिक्स को नॉन कर देंगे और माइनर टिक्स को भी नॉन कर देंगे। इसी तरह राइट एक्सिस के मेजर और माइनर टिक्स को रिमूव कर देंगे। उसके बाद माइनर टिक लेबल पे क्लिक करेंगे और राइट साइड के मेजर लेबल को अनटिक कर देंगे। इसी तरह टॉप के भी मेजर लेबल को अनटिक करके अप्लाई कर देंगे तो टॉप लेयर से और राइट लेयर से सारे लेबल्स और नंबर्स रिमूव हो गए, टिक्स भी सारे रिमूव हो गए। नेक्स्ट स्टेप है इसमें राइट साइड पे ग्राफ में और लेफ्ट साइड पे आउट एक्स्ट्रा स्पेस शो हो रही है, उसको रिमूव करने के लिए हम एक्स लेयर पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका स्केल सेट करेंगे। ये स्केल पे क्लिक करेंगे तो ये स्केल आ जाएगा फ्रॉम एंड टू। हम इधर से स्केल की वैल्यू ऐड कर लेंगे। यहां से मैं अगर माइनस 80 से 30 ऐड करूं ग्राफ की वैल्यू को अप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है इसमें जीरो लाइन ड्रॉ करना। लाइन टूल अप्लाई करेंगे, एक्स एक्सिस में जीरो एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होगा, इधर से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं और इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसके कोऑर्डिनेट सेट करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट यूनिट स्केल सेलेक्ट करेंगे। इधर से एक्स एक्सिस का स्केल चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस पे जीरो एक्सिस पे आ रही है, वाई एक्सिस की जीरो लाइन है तो इस वजह से सिर्फ वाई एक्सिस पे जीरो अप्लाई कर देंगे। बिगिन पे और वाई एंड पे जीरो अप्लाई करके इसको यहां अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन यहां पे अप्लाई होगी। इसी तरह एक्स एक्सिस पे भी जीरो लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन टूल लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन पे डबल क्लिक करेंगे, इस बॉक्स से इसके विड्थ को चेंज किया जा सकता है,
इसकी टाइप को भी चेंज किया जा सकता है और इसके कोऑर्डिनेट्स। अब चूंकि ये लाइन एक्स एक्सिस पे 09 डिपेंड हो 09 आ रही है, इस वजह से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 0 अप्लाई करेंगे, एक्स बिगिन और एक्स एंड पे 0 अप्लाई करेंगे और वाई एक्सिस का स्केल चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद अप्लाई कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन शो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इस ग्राफ की जो ग्राफ आ रहा है हमारा पार्शियल डेंसिटी ऑफ स्टेट का, इसकी थिकनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। लाइन इस ग्राफ लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे वन टाइम और यहां से इसकी विड्थ को इंक्रीज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है इस बॉक्स को यूटिलाइज करना। इस बॉक्स में डिफरेंट लाइंस शो हो रही हैं जो स्पिन को शो कर रही हैं, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के लिए। क्योंकि हमारा जो मटेरियल था उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो एस पी और डी सबशेल में लाया कर रही थी, इस वजह से हमारे पास एक्स पी एस पी और डी आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके मटेरियल एस पी और डी के बाद एफ में भी लाया कर रहा है तो आपके पास एक एफ की लाइन भी आएगी। इसमें इस बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहां से टाइप कर लेंगे, सबसे पहली जो लाइन है ब्लैक लाइन वो एक्स अप स्पिन को शो कर रही है, तो यहां पे हम लिख लेंगे एक्स अप स्पिन। उसके बाद नीचे वाली जो लेयर है, नीचे वाली लाइन रेड लाइन, वो एक्स एस की डाउन स्पिन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहां पे एस डाउन स्पिन एंटर कर दिया। नेक्स्ट लाइन वो पी ऑर्बिटल को शो कर रही है, तो पी ऑर्बिटल की अप स्पिन को शो कर रही है, तो यहां पे हम एंटर कर देंगे कि ये पी ऑर्बिटल की एस स्पिन है, अप स्पिन है। उसके बाद पी ऑर्बिटल की डाउन स्पिन और उससे नेक्स्ट आ जाएगा डी ऑर्बिटल, तो ये डी ऑर्बिटल की अप स्पिन होगी, ग्रीन लाइन जो है डी ऑर्बिटल के अप स्पिन को शो कर रही है। और जो थर्ड वाली ब्लू लाइन है वो डी ऑर्बिटल के डाउन स्पिन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये देखिए हमारे जो बॉक्स है ये हमारे ग्राफ को डिस्टर्ब कर रहा है, इसको सेलेक्ट करके इसकी विड्थ को स्मॉल किया जा सकता है, इसकी पोजीशन को भी चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप, हम इसके ग्राफ में ये जो लेबल्स हैं और टिक्स हैं इनके हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट करके यहाँ से टाइम न्यू रोमन्स पे क्लिक करें तो फॉन्ट चेंज हो जाएंगे, और लेबल्स के भी फॉन्ट को टाइम न्यू रोमन्स में चेंज किया जा सकता है। इसी तरह वन बाय वन हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। और वो जो बॉक्स हमने बनाया जिसके ऊपर हमने स्पिन्स को लेबल किया है उसको भी हम टाइम न्यू रोमन्स में क्लिक कर सकते हैं। हमारा सारा ग्राफ टाइम न्यू रोमन्स में आ गया और ये हमारे पास पार्शियल डेंसिटी ऑफ स्टेट का ग्राफ बन गया। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी कि कैसे मैंने पार्शियल डेंसिटी ऑफ स्टेट का ग्राफ बनाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।